गांव जसरासर से धीरासर के बीच 19 महीने से अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। चूरू के गांव जसरासर से धीरासर के बीच 19 महीने से बंद पड़े सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को अपनी मांगों को लेकर खून से लिखकर ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बुधवार करीब 3 बजे जानकारी देते हुए बताया कि जसरासर से शुरू होकर यह सड़क मार्ग रामदेवरा नाकरासर जासासर से होकर धीरासर गाँव तक जाता है, लेकिन पिछले 19 महीनों से यहाँ सड़क निर्माण का कार्य बंद पड़ा है। अभी यहां क्षतिग्रस्त सड़क होने की वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उनका कहना था कि इस अधूरे पड़े सड़क निर्माण के कारण मार्ग पर दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती है, जिससे लोगों की जान का भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना था कि अगर सड़क निर्माण का कार्य जल्दी पूर्ण नहीं किया गया तो वे सड़क को अवरुद्ध कर प्रदर्शन और आमरण अनशन करेंगे। 2 साल से बंद पड़ा है, इसलिए आमजन परेशान है और लास्ट में परेशान एकदम तंग आके गांव वालों ने खून से लिख के ज्ञापन दिया है और आशा है कि जल्दी से जल्दी हमारा काम पूर्ण होगा, संपन्न होगा, वरना 10 दिन के बाद में हम चक्का जाम करेंगे और सरदार शहर से चूरू जो मुख्य मार्ग है उसको हम जाम करेंगे।